यूट्यूब प्रीमियम ले ले, 40 रुपए में तुम्हारे पप्पा ने रखा था क्या यूट्यूब प्रीमियम? अरे ले वनबी स्टार किट, अरे वनबी स्टार किट इतना हल्का उसने भाई भेजा, इतना हल्का भेजा उसने रेस्पॉन्स भाई। उसको क्या, मैं क्या, हम लोग क्या स्कूल में है क्या? स्कूल में ऐसा रिप्लाई करने का? ए तू जो सपने में देखता रहेगा वो लड़कियों को मैं घुमा चुका। अरे चुप ले गंजा हो रहा तू, गंजा हो रहा इसलिए टोपी पहना रहे ले लाला, गंजा हो रहा है लाला। और मेरे को बोलता है भाई कम ऑन यार कम ऑन, और क्या बोलता है ये किया उसने। अबे स्कूल में है क्या बहन? ज्यादा बकवास कर रहा भाई, कुछ अच्छा कमबैक देता है यार। मेरे को लगा इंटरेस्टिंग होगा, इसको फिर धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट में लेके जाएंगे, बट नहीं भाई ऐसा खड़ा हुआ, इतनू सा था वो, 6-4 है मैं भोस हाजिर सामने, बट नहीं यार पर्सनल हेट नहीं है कोई, ऑनलाइन ऑनलाइन ये कॉम्पिटिटिव है भाई। Why did no one tell me that men just don't get told nice things? Apparently, today I told my boyfriend, "Hey, you're deserving of love," and he cried so hard he got a nosebleed on my new dress. I'm not mad about the dress. I'm not mad about that at all. I'm mad about the fact that in his 18 years of life, no one, not a single person, has told this man that he's deserving of love? Yeah, bro. Are you fucking shitting me? Why didn't no- Bro, but I am blessed. Mere surrounding mein dost, we always appreciate each other and we always show love to each other, bro. Kyunki gay hai mere dost log. But it's 2023. Why kya singing ki yaar? Fir rap karke maach chod di gaane ki. विवेक बिंद्रा के टीम में हो, मारता है बीवी को तू क्या सिखाएगा? ऑब्जेक्टिफाइड वुमन ही सेड की ऑब्जेक्ट की तरह होती है। तो विवेक बिंद्रा ने एमटीवी हसल फॉलो करा और एक्चुअली कान फोड़ दिया भाई। जन्म से मैंने तो बना नहीं लूज, मैं अंदर से नरम बरगर में खून है। भाई भी बहुत अच्छे यार रैपर भाई, हिट भाई बहुत सही है, महोती भाई हिट भाई, सब्सक्राइब किया मैंने तुमको। ये दिव्या कौन है भाई? ये देख दिव्या, ओहो दिव्या को सब्सक्राइब कर देता हूँ। नाइस, लेट्स गो एमी बंटा इज हियर। भाई बाप रे, कॉरी वॉरी पे जाके शूट किया है। वीडियो पूरा करने से पहले गाइस लेट्स स्पैम एमी वे डब्ल्यू पहले ही कर देते भाई। लुक एट द कंसिस्टेंसी ब्रो, वो भी दिसंबर में भाई, क्या बात है। ही शुड बी एंजॉयिंग एंड स्टफ। एक मिनट जज कर रहे गाने को यूट्यूब पे। ओके पिछला गाना एक दिन में 4 मिलियन पीछे, इनके आग लगी हैश बचा करो इन्हें पोकेमोन से। कैचम पोकेमोन, कैचम ऑल, कैचम कैचअप, 4 मिलियन, ओ 4 मिलियन, ओ भाई एमी वे डूइंग दैट लिरिकल स्टफ। ओके अ मिनट फॉर दैट ब्रो, कम ऑन। पीछे इनके तुम्हें ऑन माइक ब्रो, सॉफ्ट लगे देखो मैक ऑन, मैं वो जिसे माइक्रोसॉफ्ट मैक ऑन। ओके कौन कर कर डाला दिल मैंने सबका, ये आई करे खाली मैनिपुलेट, बने गुड मेरे आगे तो लिखावट जैसे एमएनएम, एवरी बार मैटर्स तेरी खाली करे एमएनएम। शाउट आउट माइक टायसन, शाउट आउट मोहम्मद अली, शाउट आउट नाइस पंचेस, लिरिकली क्रिमिनल पंचेस। हर महीने गाने बरसाओ पर मैं ना मई वेदर में हूँ, जून और जुलाई हर गाने बरसाओ बट मैं ना मई वेदर। ओ नाइस, एम को दिखना चाहते अपसाइड डाउन, देखो अपसाइड डाउन तो भी मिले मुझे डब्ल्यू, ये करे पैसे। That's a bar, bro. That's a bar. भाई M को देखना चाहते ये, like एमी वे को देखना चाहते upside down, but M को उल्टा करो तो भी W, bro. That's a bar, bro. That's a bar. Come on. Appreciation should be given where appreciation is due, भाई. इनके favorite को हराया फिर भी करे dislike, global पोछा डाला हिंदी को, I don't miss flight high. I don't miss flight indigo. इनके फेवरेट को हराया, he's talking about कृष्णा आई गेस। मेरे क्लास का गाना तो गाने बनाओ डीपेस्ट, इन्हें तुम्हें इतने बार, अच्छा डीप अटलांटिक से भी डीप हूँ मैं, पता नहीं कुछ उसका था क्या। करा स्टूडियो में रात दिन में नहीं शेफ पर मांगे रेसिपी। नाइस, आई लाइक द हुक ब्रो, आई लाइक द लिरिकल बंटा। तो पुराना वाला एमवी याद आ रहा है भाई, ओ ई एम एम रिवर्स इक्वल टू डब्ल्यू, अच्छा मर्च भी आ रहा है, दिस इज स्मार्ट एज फक। तुम्हें पता है बाहर के रैपर्स करते हैं अपना कोई प्रोजेक्ट एल्बम या कुछ गाना रिलीज हो रहा रहता है ना, तो वो लोग अपना मर्च भी सेल करते हैं, थोड़ा मार्केटिंग स्किल्स होती है वो वाली। मैं अज्जू भाई, मेरी आवाज तो पहले सुनी होगी। अपेरेंटली दिस गाय हेट्स एमी वे बंटा राइट। अबे स्पॉन्सर्ड वीडियो क्या, चकल दिखाने के भी पैसे ले लिए क्या भाई, दैट्स स्मार्ट ब्रो। मेरे पेशेंट पे क्या है, क्या है?
अंकित खन्ना भी था क्या वीडियो में? मेरे पेशेंट पे भाई यार, दे डिड अंकित खन्ना सो रॉन्ग ब्रो यार, ही इज नॉट इवन दैट फैट। तो हेलो 37 मिलियन सब्सक्राइबर्स भाई, कितना साल का है ये? मेरा नाम है अज्जू भाई। अरे इतना यंग है क्या अज्जू भाई? अभी कितने साल का है ये? 20 साल का है ये। अजेंद्र वारिया। और आप सभी का स्वागत है मेरी रियल लाइफ में, आओ साथ में खेलते हैं। That's what she said. कंट्रोलर से फ्री फायर पता नहीं यार। रेलाशो के ऊपर खड़ा कदम ले बेटा ऊपर जा। क्या फ्लो था? अरे फ्लो का नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो इसने डिलीवरी किया है ना कुछ कुछ शब्दों का अननेसेसरी, उसने मतलब मैं इमिटेट कर रहा हूँ बस, आई एम नॉट मॉकिंग भाई, ठीक है? तेरे को डिमोटिवेट नहीं करना, बट बंद कर दे गाने बनाने। दिसंबर को मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड किया अपने YouTube चैनल पर वीक स्कैम एक्सपोज नाम से। इस वीडियो में कुछ यंग लोगों ने खड़े होकर बताया कि कैसे। भाई पहले बताओ तुम्हें क्या लगता है ध्रुव राठी किसका साइड लेगा? ध्रुव राठी के हिसाब से कौन जीतेगा बताओ, कम ऑन। उनके साथ एक बड़ा स्कैम हुआ था। कहा गया कि इन्होंने करीब 50,000 रुपए में एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा जिसमें खुद में कुछ खास नहीं था। एक और अनफॉर्चुनेट चीज ये कही जाती है कि ज्यादातर लोग जिन्होंने इसे खरीदा वो गरीब लोग थे, बेरोजगार थे और पैसे का लालच देकर उन्हें ये खरीदवाया गया। विवेक बिंद्रा एक और मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। 18 दिसंबर को ये बात अपने आप ही क्लियर हो जाती है क्योंकि विवेक बिंद्रा अपने YouTube चैनल पर एक रिस्पॉन्स वीडियो रिलीज करते हैं। ये बहुत लंबा वीडियो था जिसमें संदीप महेश्वरी के ऊपर भी कई आरोप लगाए जाते हैं कि संदीप कैसे बिजनेस कंसल्टिंग करते हैं, उसके लाखों रुपए चार्ज करते हैं। और विवेक बिंद्रा का तो ये तक भी कहना था कि ये कंट्रोवर्सी इसलिए उठी क्योंकि संदीप महेश्वरी के चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे थे। 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, चल नहीं रहे थे तो आपने सोचा स्कैम स्कैम कर दूं मैं, क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख ऊपर नहीं जा रहा था बिजनेस मास्टर का। ऐसी आर्ग्यूमेंट्स की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सब एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी की कैटेगरी में आती है, जहां पर पॉइंट पर बात करने की जगह आप दूसरे इंसान को पर्सनली टारगेट करना शुरू कर दो। स्कैम हो तो क्या 12 बजे रिकॉर्ड बन जाते हैं कि रात रात पूरा अस्पताल खड़ा कर दिया था, 2 करोड़ लोगों ने फ्री मील्स बंटवाए थे, 200 बेड का अस्पताल तैयार किया, ये सब ठीक है लेकिन स्कैम की एलिगेशंस को लेकर इररिलेवेंट है। एक्चुअली में जो आरोप विवेक बिंद्रा पर लगे उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने दो टाइप की चीजें कही। जरा सा भी बोले था मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। इन्होंने कहा कि लोग इनसे सीखने आते हैं और उनमें से कुछ लोग अफिलिएट के तौर पर ज्वाइन करते हैं और जो भी ये कर रहे हैं। मल्टी लेवल का मीनिंग क्या आपको मालूम? बहुत सारे लेवल हो या एक ही लेवल है, वो अफिलिएट होता है, मल्टी लेवल नहीं होता। बस इतना पता है अफिलिएट लिंक डाल सकते हैं तुम Amazon की अपनी वीडियो के नीचे, तुम लोग डाल सकते हो अफिलिएट लिंक, अगर तुम्हारे थ्रू कुछ खरीदा जाता है तो तुम्हें भी पैसे मिलते हैं, ये पता है। MLM तो नेक्स्ट लेवल हो गया भाई। इसके रिस्पांस में 20 दिसंबर को संदीप महेश्वरी एक और वीडियो अपलोड करते हैं और इस बार सीधा और ओपनली टारगेट करते हैं विवेक बिंद्रा। इस वीडियो में एक बार फिर और बढ़ जाती है क्योंकि इसी बीच कुछ पुरानी वीडियो क्लिप्स उनकी सर्कुलेट करने लगती हैं जिसमें उन्होंने SC ST डॉक्टर्स को स्टीरियोटाइप किया और रिजर्वेशन को क्रिटिसाइज किया। रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव, जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की, मेरिट पे नहीं चलाता यहां पे। कितने बार ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर छूट के जाता है, सर्जरियन करते वक्त कभी कॉटन अंदर छोड़ देता डॉक्टर। ऑब्वियसली मेरी राय में एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है जो प्रिविलेज ब्लाइंडनेस दर्शाती है। जो लोग लोअर कास्ट लोगों की पोजीशन पर नहीं होते वो लोग नहीं जानते कि आज के दिन भी कितना कास्टिज्म और कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन देश में देखने को मिलती है। कंप्लेन दर्ज करने वाले गाजियाबाद के रेजिडेंट वैभव क्वात्रा, उन्होंने आरोप लगाया कि इनकी बहन ने विवेक बिंद्रा से शादी करी थी 6 दिसंबर को और 7 दिसंबर को एक आर्ग्यूमेंट के बाद इतनी बुरी तरीके से उनकी बहन को मारा पीटा गया कि उन्हें सुनने में अब दिक्कत होती है। कानफोर्ड म्यूजिक का ओनर है भाई विवेक बिंद्रा, भाई साहब शादी किया और थोड़ कुछ ही दिनों में मार दिया रहा है। ओ भाई एलिजिडली। लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में कई बार बताया है, हमें यहाँ पर मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। कई बार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, तो केस खत्म होने से पहले कोर्ट की जजमेंट आने से पहले हमें किसी को दोषी यहाँ नहीं मानना चाहिए। एग्जैक्टली दोषी नहीं मानना चाहिए, बट जोक तो मार सकते हैं ना भाई, जोक्स तो मार सकते हैं, जोक्स, दिस इज जोक्स। अगर योर ऑनर यू आर वॉचिंग दिस, इफ यू आर ट्राइंग टू निष्कर्ष मी इफ आई एम अ विक्टिम, नहीं क्या बोलते रे, जो भी है बकचोदी कर रहा हो क्या? बकचोदी कर रहा है तू? ऐसा सोच रहे हो जज साहब? मैं बकचोदी कर रहा हूँ, मैं फैक्चुअल चीजें नहीं बोल रहा क्योंकि मैं निष्कर्ष हूँ मेंटली, ठीक है? कौन यहाँ पर सही है कौन यहाँ पर गलत है ये भी कोर्ट ऑफ लॉ में ही डिसाइड किया जाएगा, लेकिन इतना तो हम समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर लीगल। भाई अपेरेंटली संदीप महेश्वरी ने बोला है कि केस में फंड रेज करने के लिए मैं आपसे मोनेटाइजेशन शुरू कर रहा हूँ। संदीप महेश्वरी मोनेटाइजेशन शुरू कर दिया भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? Who was doing it for free? उसने टर्न ऑन कर दिया है विवेक बिंद्रा को, सॉरी उसने टर्न ऑन कर दिया है मोनेटाइजेशन को। मैंने 300 भेजे थे 100-100 के 3 बार, उसने इग्नोर मार दिया, मैं क्या करूँ? जैसे कि कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, अगर कंप्यूटर पे आप फोटोशॉप डाउनलोड करते हो डिजिटल प्रोडक्ट है या फिर एक मिनट, ये क्या किया ध्रुव राठी ने? डिजिटल प्रोडक्ट बोल के लैपटॉप में एक लड़की का फोटो दिखाया, ये क्या है? मैं खुद के भी 2 ऑनलाइन कोर्सेज हैं ध्रुव राठी एकेडमी पर जिनके बारे में शायद आप ऑलरेडी जानते ही होंगे, एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एक चैट GPT के ऊपर। अरे अभी वो प्रोमो करने का टाइम है क्या इधर?
हैं, इधर एक बिजनेसमैन का स्कैम के बारे में बात कर रहा है, दूसरा स्कैम लेके आ रहा है। तीसरा कोर्स जल्द ही अगले महीने आने वाला है, जो कि होगा यूट्यूबर बनने पर, कैसे आप यूट्यूब को अपना करियर बना सकते हो। क्या बात कर रहा है, कभी आ रहा है, कितने का है कोर्स? लेकिन सोचकर देखो, मैं अपने चैट जीपीटी कोर्स के साथ ये करूं, अपने कोर्स का नाम मास्टर चैट जीपीटी की जगह है, मैं कोर्स का नाम रख दूं बैचलर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको ये कहकर उसे बेचूं कि ये देखो, ये तो बैचलर्स डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कोर्स है मेरा। खरीदने वाले को लगेगा कि क्या मतलब, पूरी की पूरी बैचलर्स डिग्री मिल जाएगी यहां पर? अगर आपको उसका प्राइस ज्यादा लग रहा है तो शायद आप उसके टारगेट कस्टमर नहीं हो, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा, मेरा जो कोर्स है, देखो कोर्स वालों का पैसों से मतलब जो भी है, ऑफ कोर्स ही इज आल्सो रनिंग अ कोर्स, तो फिर हाउ कैन आई निष्कर्षली बिलीव हिम। जैसे मेरे टाइम मैनेजमेंट कोर्स के पेज पर देखो, मैंने क्लियरली लिखा है 5 मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल। मैं नहीं लेने वाला टाइम मैनेजमेंट कोर्स, मैं क्या करूं टाइम मैनेज करके, रैपर लोग कभी भी गाना डालते हैं तभी मेरे को आके अपना भोसड़ा ओपिनियन देना रहता है, वो है मेरा काम, मैं क्या करूंगा, मेरे को क्यों बेच रहे हो, आई एम नॉट योर टारगेट ऑडियंस। पहले चैप्टर में 4 लेसन होंगे जो आपको ये चीजें सिखाएंगे, दूसरे चैप्टर में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक सिखाए जाएंगे, तीसरे चैप्टर में स्टूडेंट्स पर फोकस किया जाएगा, चौथे चैप्टर में यहाँ पर पांचवे चैप्टर में क्या है, अरे स्किप मारो भाई, किसको जीता वो जानने का मेरे को, पांचवे चैप्टर में कौन जीता, सॉरी क्या है, इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि कितना, अरे अब तक खत्म नहीं हुआ चैट जीपीटी चैट चैट के, न्यू ईयर सेल चल रही है ध्रुव राठी एकेडमी पर, अरे यार क्या सेल बिल की बातें कर रहा है यार, मेरा फेवरेट बिल्ली है पूमा, पूमा से याद आया, पनवेल में नया पूमा का स्टोर खुला है, अगर आपको 70% का जूता लेना है, कपड़ा लेना है, 3 सामान लोगे तो तीनों में ऑफर, अरे क्यों बट, ये धीरे धीरे ध्रुव राठी का कोर्स ले लो वीडियो कैसे हो गया ये। लिंक इसका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। बस एक काम करता हूँ, बाढ़ में गया वीडियो, कोर्स ही ले लेता हूँ मैं, किधर है बाबा का धाबा, QR नॉट अलोन है, अच्छा हेल्पलाइन नंबर है, बाप रे कांट पड़ गई मेरी। नमस्कार दोस्तों, 11 दिसंबर को मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश, चुप एक मिनट रुक, किधर है ये एकेडमी ध्रुव राठी एक्सप्लोर कोर्सेस, चलो कोर्स ही देखते हैं, हाँ ये रहा, रसेंगान के नाम पे चैट जीपीटी निकला, इधर गेट स्टार्टेड रजिस्टर टुडे, ओह शिट नंबर 5500 का है ये कोर्स चैट जीपीटी सीखने का, हाउ टू डू मिलियन थिंग्स ऑल एट वंस, ये कैसे हो सकता है, इसमें क्या मुझे सिखाया जाएगा कि मैं मुठ मारते मारते कर्मा का गाना गाऊं और एमिवे के लिरिक्स लिखूं, क्या ये कर सकता हूं मैं, अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं लेने को तैयार हूं भाई।